तो मेरे फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। एक और नया पार्सल है मेरे पास, इसको ओपन कर लेते हैं और देखें इसमें क्या है, क्योंकि मैंने 3-4 पार्सल मंगवाए थे तो अभी कंफर्म नहीं कि इसके अंदर क्या है। लेट्स ओपन इट। जी, तो ये मैंने कुछ ज्वेलरी कस्टम ज्वेलरी ऑर्डर की थी, तो बहुत ही सस्ती वाली जिसको खोलते हैं वो वाली ज्वेलरी, देखते हैं कि वैसी ही है जैसी ऑर्डर की थी, थोड़ी चेंज है इसकी जो है वो आपको बता दूँगी प्राइसेस वगैरह भी। ये स्टड्स ऑर्डर किए थे ये आपके सामने, इनकी क्वालिटी तो मेरे ख्याल में 99 रुपीज़ के थे या 47 रुपीज़ के, इस तरह का काफ़ी ये जो है ना रिजनेबल से मुझे ज्वेलरी मिली है। तो एक ये खूबसूरत से छोटे छोटे से स्टड्स ऑर्डर किया था मैंने, और उसके बाद है जी ये बालियाँ और एक ब्रेसलेट थी, जिसको ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये जी बालियाँ जो कि बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, खूबसूरत सी है। इसके अंदर ये लगे हुए पर्ल्स हैं, और ये ब्रेसलेट है जो क्ला होता है, जैसे कैट क्ला जिसको बोलते हैं, बहुत खूबसूरत सी ब्रेसलेट है। इसको बनाने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और अच्छी लग रही है बकायदा, और इसको पहन के भी दिखाऊंगी अभी फ़िलहाल ये ऐसे देख लें, बहुत ही खूबसूरत किस्म की ब्रेसलेट है ये। देखिए ये ऐसे हाथ पे आ जाएगी, और ये उन्होंने साथ में चेन दी हुई है, ये लॉबस्टर हुक लगा के काफ़ी अच्छा, ये थोड़ी सी फिनिशिंग में उन्होंने, ये बंदा खुद भी काट लेता है या कर लेता है, लेकिन ये ओवरऑल अच्छी है, जैसे दिखाई थी वैसी है। अच्छा, अगले हमारे पास ये ब्रेसलेट है, ये देखें ये ब्लू कलर में है पर्ल्स सारे, और वैसे वहाँ पे जो पर्ल्स थे वो थोड़े से और डिफरेंट तरह के थे, ये भी ये पर्ल्स और तरह के खाने में हो या उनके पास अवेलेबल ना हो। ये सिंपली रबर वाली ये एक ब्रेसलेट है, ये आपके सामने अच्छी लग रही है, ये खूबसूरत है, इसको आप जो है वो इलास्टिसिटी भी अच्छी है इसकी। और ये जी ब्रेसलेट है, इन चीज़ों पे ना काफ़ी टाइम से मेरा दिल बेईमान हो रहा था लेकिन मैं ख़रीद नहीं रही थी। ये छोटी छोटी सी जो है वो पोनियाँ थी, 120 रुपीज़ का ये पैक है, मुझे इसलिए याद है, मुझे था ये थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन ये बिल्कुल छोटी है बच्चों में, खैर किसी बच्चे को दे देंगे। अच्छा, ये कुछ लॉबस्टर हुक्स मंगवाई थी मैंने खुद से, अगर कभी कस्टमाइज़ करना पड़ जाए तो ये पड़ा हो पास तो अच्छा लगता है। ये भी एक ब्रेसलेट है, ये भी दिखाती हूँ, ये देख ये बड़ी एक ब्रेसलेट है, ये चेन सी बनी हुई है, चेन के अंदर एक एक पर्ल है, और ये भी प्यारी लग रही है पहने में, ये भी अच्छी लगेगी। ये बिल्कुल ऐसी ही थी पिक्चर्स, और जिस तरह से ये आई हैं ये वैसी ही थी। अच्छा, द लास्ट हमारे पास ये है, इसको भी ओपन कर। अच्छा, ये पता नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने ये चेन मंगवाई थी या पेंडेंट है, लग तो ये पेंडेंट रहा है लेकिन ये कैसा पेंडेंट है ये नहीं समझ आई मुझे, ये इतना सा है बस इसके अंदर, और ये थोड़ा सा लटक रहा है ऐसे, ये पूरी चेन है ये यहाँ से अटैच की हुई। अच्छा, शायद ये ऐसे है लटकने वाला है, ये मैं अपने स्त्री स्टैंड पर रख के बना रही हूँ तो उसके लिए माल रख, लेकिन ये भी एक पेंडेंट मैंने ऑर्डर किया था, इसको भी ओपन करके दिखाती हूँ। सही, तो ये पेंडेंट नहीं है, ये सिंपली चेन है जो कि खूबसूरत बनी हुई है सिल्वर कलर में। अब मुझे पता नहीं है कि ये काली हो जाएगी या नहीं, इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये काफ़ी प्यारी लग रही है और मोटी और अच्छी चेन है, मतलब मेल चेन है ये, फीमेल चेन नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है। ओवरऑल ये सब चीज़ें बहुत प्यारी हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे इनमें जो है वो ये ब्रेसलेट लगी है, ठीक है, और बाकी ये चीज़ें हैं। तो जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपनी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।